इससे थोड़ा हम दुखी हैं कि बीच मझधार में छोड़ के चले गए हैं। ये बंद होनी चाहिए और मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के और निवेदन करूंगी और उनसे यही कहूंगी कि वो अग्निवीर बंद कर दीजिए। राहुल गांधी के बाद शहीद अंशुमान सिंह की मां ने भी की अग्निवीर योजना को बंद करने की मांग। शहीद अंशुमान सिंह की मां ने हाथ जोड़कर आखिरकार सरकार से क्या मांगा? राहुल गांधी ने शहीद अंशुमान सिंह की मां को दिलाया किस बात का भरोसा? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में, मैं हूँ पूनम अधिकारी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह से मुलाकात की। इस दौरान शहीद की मां मंजू सिंह ने अग्निवीर योजना और जवानों को मिलने वाली योजनाओं को लेकर बात की। शहीद की मां ने कहा कि वो राहुल गांधी की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित है और इनसे मिलना चाहती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जो सम्मान दिया है वो सिर आंखों पर है। वो फैमिली के लिए कुछ वो करेंगे, आश्वासन दिए हैं कि मैं आगे सदन में भी उठाऊंगा और कोशिश करूंगा आगे करने के लिए। अगर नहीं हो पाता है विपक्ष में बैठ के, पक्ष में जाएंगे तो पक्का करेंगे। शहीद अंशुमान सिंह की मां यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि वो जल्द ही अग्निवीर योजना बंद कर दे। उन्हें भी फौजियों को पेंशन, कैंटीन और बाकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये बंद होनी चाहिए और मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के और निवेदन करूंगी और उनसे यही कहूंगी कि वो अग्निवीर बंद कर दीजिए, क्योंकि अग्निवीर 4 साल के ठीक नहीं है। उनको पेंशन, उनको कैंटीन, उनको जितना एक फौजियों का फैसिलिटी मिलता रहा है पहले से, वही लागू हो। मैं सरकार से निवेदन करूंगी। आपको बता दें कि कैप्टन अंशुमन सिंह देवरिया के रहने वाले थे। 19 जुलाई को 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में वो शहीद हो गए थे। ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के तौर पर वो तैनात थे। 19 जुलाई 2023 को सियाचिन ग्लेशियर के चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीकी फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को देखकर वो खुद को रोक नहीं सके और उन्हें बचाने के लिए वो कूद पड़े। जबकि वो एक चिकित्सा अधिकारी थे, मगर फिर भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर कई लोगों के लिए अपनी जान दे दी। फिलहाल आज के पास वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।